हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने जाल स्टडी सेंटर में मैं अभिषेक भारती आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें और सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाएं। और वीडियो से रिलेटेड सारे पीडीएफ, नोट्स, बुक्स के पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। तो अब हम करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम अब आज डिस्कस करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स के रूप में, जो कि हमारा 1 नवंबर 2020 से लेकर 7 नवंबर 2020 तक के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच वेजिटेबल सीड्स, यानी कि कौन सा सब्जी का बीज है जो कि भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, बैंड कर दिया है, वो है ओनियन। क्या है ओनियन? मतलब प्याज। भारत ने प्याज को एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कारण है कि ड्यू टू शॉर्टेज यानी कि कमी के कारण, बीज की कमी के कारण भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी सीआईसी का नया कमिश्नर कौन है? वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कुमार सिन्हा। तो साथ ही साथ आप इसे नोट भी कर सकते हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप इनका सॉल्यूशन भी एक पेपर में नोट करते जाएं, ताकि आने वाले बिहार एसआई और बिहार फॉरेस्टर जैसे एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू गो लाइव ऑन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क फॉर आरबीआई, ठीक है। ये कौन है? यह है इंडस लैंड बैंक। कौन है? इंडस लैंड बैंक, ठीक है। इनका सीईओ कौन है? इनका सीईओ है कथपालिया, हेडक्वार्टर पुणे में, ओनर है हिंदुजा ग्रुप और फाउंडर कौन है? एसपी हिंदुजा, ठीक है। जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप इनको नोट करते जाइएगा, फटाफट पॉज करके भी आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवे टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन, यानी कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए इंडियन रेलवे ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? वो है मेरी सहेली। कौन सा है? मेरी सहेली, ठीक है। ये अक्रॉस ऑल जोन, सारे जोन में, क्या टोटल कितने जोन है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि टोटल हमारे इंडियन रेलवे के कितने जोन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच नेशंस इकोनॉमी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ 33% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ करंट फिशियल ईयर, ये कब है? ये कौन सा नेशन की है? ये यूएसए, ठीक है, जो कि एक नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिनके प्रेसिडेंट आज बने हैं, कौन है? जॉय बाइडेन, ठीक है। इन पर एक रिलेटेड वीडियो हमारे आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाके इनके बारे में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिसेंटली पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड आरोग्यवान इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री, कौन से राज्य में इनोग्रेट हुआ है आरोग्य वैन का? वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात के सीएम को, सीएम कौन है? विजय रूपानी। विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। जी हाँ, आचार्य देवव्रत गवर्नर है। और गुजरात का कैपिटल क्या हुआ? गांधीनगर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू गो सेटअप पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक, मतलब कि कौन से स्टेट ने पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक स्टार्ट किया है? वो है केरला। कौन है? केरला। केरला का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और सीएम कौन है? सीएम है पिनारिया विजयन, ठीक है, पिनारिया विजयन।
हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे आप इनको नोट भी कर सकते हैं। इंडिया हेल्ड्स द 8th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग विथ विच नेशन ऑन अक्टूबर 29, 2020। तो कौन है? वो है मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। तो आते हैं अगले प्रश्न पे। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इन 5 स्टेट। किन 5 राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वल्चर कंजर्वेशन सेंटर यानी गिद्ध, तो कहते हैं गिद्ध जो क्या मांसाहारी होते हैं गिद्ध कहते हैं, ठीक है, गिद्ध जिसको कहते हैं वो है। तो कौन से 5 राज्यों में सेटअप इनका सेंटर बनाया जाएगा? वो है यूपी, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप इनको नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं अ ग्रूसम टेरर अटैक टू प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अमॉन्ग द नेशंस ऑन अक्टूबर 2020। ठीक है, तो फिलहाल में जो एक टेरर अटैक हुआ था जिसका नाम ग्रूसम टेरर अटैक है, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? इम्यूनल मैक्रॉन, इम्यूनल मैक्रॉन। ठीक है, विच बैंक हैज बीन नेम्ड एज द सेफेस्ट बैंक इन एशिया फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर बाय द न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेड पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस। यानी कि एशिया के सबसे सेफेस्ट, सेफ मतलब कि सबसे सुरक्षित बैंकों में से किन का नाम है और जो कि 12 बार अभी तक बन चुके हैं, वो कौन सा बैंक है? वो है DBS, DBS बैंक। ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। सीईओ कौन है इनके? पीयूष गुप्ता, पीयूष गुप्ता। ठीक है, और ये 9 नवंबर 2009 से कंटिन्यू है, ठीक है, 11 ईयर से है वो इस पोस्ट पर कार्यरत है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड सिटी डे। 2020 वर्ल्ड सिटी डे का क्या नाम है, क्या थीम था? वो था वैल्यूइंग, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक्स हो सकते हैं बट ये कोई इशू नहीं है, बट आप इसको नोट करते जाते जैसे हम बोलते जा रहे हैं। और का जनरल थीम क्या था? जीटी जिनको कहते हैं, जनरल थीम था बेटर सिटी बेटर लाइफ, बेटर सिटी बेटर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है हु वॉन स्पेशल प्राइज इन ग्लोबल आर्ट कंपटीशन, ये किनको मिला है? ये है अंजार मुस्तैन अली। ठीक है, हु लॉन्च द इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्होंने फिलहाल ये इंफ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, ये किया है इंडियन आर्मी ने, इन्होंने किया ये इंडियन आर्मी ने। ठीक है, जो क्या फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1895 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और कमांडर इन चीफ कौन है इंडियन आर्मी के? वो है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये कमांडर इन चीफ होते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के, ये कमांडर इन चीफ है। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट टू बी प्लेड इन विच सिटी, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट प्लेड इन विच सिटी, किस कौन से शहर में खेला गया है? वो है इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। ये इसका मेन मोटो क्या था कि टू मेक सिटी फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक, फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड हैज बीन लॉन्च्ड, कौन से राज्य में यंग एडवोकेट वेलफेयर फंड स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ है? वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के का कैपिटल क्या हुआ? चेन्नई। ठीक है, और सीएम कौन है इसके? सीएम है
इदापादी के, जी हाँ इदापादी पलनी स्वामी, जी हाँ इदापादी के पलनी स्वामी है इनके सीएम है तमिलनाडु के। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, ये है गुजरात। ठीक है, एएसआई साइंड एमओयू विद इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ मोनूमेंट मोनूमेंट्स विद आई विच आईटीआई, यानी कि जो हमारे पौराणिक जो हमारे मतलब मोनूमेंट्स हो गए हैं, ठीक है, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए एएसआई ने किए, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किनसे टाइप किया है, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, हु लॉन्च्ड डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, कौन किन्होंने डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया, वो है भारत पे, भारत पे। वो पार्टिसिपेटेड इन 10th इंडिया यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग ऑन ग्लोबल रिस्पॉन्सेज टू कोरोना वायरस, कौन पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से, वो है निर्मला सीतारमण। तो आप इनको नोट करते जाएं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से एक भी प्रश्न ना छूटे। अगला प्रश्न है, विच नेशन एक्सटेंडेड यूएस डॉलर 1 बिलियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, तो कौन है, वो है इंडिया। अगला प्रश्न है, एनएसडीसी टाई अप टू इम्पावर 1 लाख वुमेन विथ डिजिटल स्किल विथ विच कंपनी, ये स्किल इंडिया के अंडर में है, ठीक है, ये किन्होंने कौन से कंपनी साथ टाई अप हुआ है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला, नडेला, ठीक है, जो क्या 4 फरवरी 2014 से अभी तक प्रेजेंट में कार्यरत है, अभी तक है वो, ठीक है, 6 साल से वो है पोस्ट पे। हम आगे अब देखते हैं, फेनी ब्रिज इज कनेक्टिंग इंडिया विथ विच कंट्री, फेनी ब्रिज जो बन रहा है वो इंडिया को कौन से देश से जोड़ता है, वो है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका, और वहां का करेंसी क्या है, टाका, टका कहते हैं इसको, टका। विच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टेड द इंडियाज रिमिटेंस विद डिक्लाइन 9% टू $76 बिलियन इन 2020, वो कौन कौन सा बैंक है, वो है वर्ल्ड बैंक, क्या है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, और इनके जो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में, वो कौन है, वो है डेविड मेलपास, जी हाँ डेविड मेलपास। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नर गेव एसेट टू 7.5% नीट कोटा बिल, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी नीट एग्जाम के लिए 7.5% का कोटा दिया है, ठीक है, वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु। विच नेशंस आर्मी लॉन्च्ड इंडिजिनस मोबाइल एप्लीकेशन SAI, ठीक है, यानी कि कौन से कंट्री ने या फिर कौन से नेशन के आर्मी ने लॉन्च किया है इंडिजिनस मोबाइल एप्लीकेशन SAI, वो है, SI का फुल फॉर्म होता है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, क्या होता है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, आपको साथ में इसको नोट भी करते जाना है, जिन और वो कौन से आर्मी ने किया है, वो है इंडियन आर्मी ने किया हुआ है, ठीक है। Which state signed MOU with GAME to support MSMEs in partnership with Omidyar Network India? वो कौन सा स्टेट है? पंजाब, ठीक है। पंजाब का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है। और गवर्नर कौन है इनके? गवर्नर हैं वी पी सिंह राठौड़, है वीपी सिंह राठौड़, उनके सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु साइंड ऑर्डिनेंस टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया, यानी कि NCR और उसके जो लोकल एरियाज हैं उनमें
एमओयू जो साइन किया वो कौन किया, वो रामनाथ कोविंद। एक ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में जिनको कि साइन परमिशन दिए हैं प्रेसिडेंट ने, रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो इसका क्या मेन मोटो है, इसका द कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है, ये इनकम है। अगला प्रश्न, हु इनॉग्रेटेड न्यू स्पेशल स्टोर नियर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, ये कौन से रिवर किनारे है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे है, और ये किन्होंने इनॉग्रेट किया है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडिया गॉट हाउ मेनी न्यू यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी फिलहाल में इंडिया ने कितने यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हेरिटेज साइट हुआ है, वो है एक हुआ है इंडिया से। कौन सा है वो, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इनके साथ दो और हुए हैं तो टोटल तीन हुए हैं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेयर डिड मालाबार एक्सरसाइज हेल्ड। मालाबार एक्सरसाइज जो है, जो एक नेवल ट्रेनिंग है जिनमें इंडिया, जापान और यूएसए रहते हैं, तो ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इनके साथ अब एक और नया कंट्री भी ऐड हो गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया, जो कि चाइना के खिलाफ हैं सारे देश। ठीक है, और ये कब हेल्ड होने वाला है, ये होगा नवंबर 17 to 20 नवंबर। ठीक है, 2020। अगला प्रश्न, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज बैंड द सेल ऑफ फायर क्रैकर्स, यानी कि जो पटाखे हैं जो कि दिवाली में छोड़े जाते हैं, उनको कौन से स्टेट ने बैन कर दिया है, राजस्थान। किसने किया है, राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान का कैपिटल क्या हो गया, जयपुर। गवर्नर कौन है, कैराज मिश्रा। और इनके सीएम कौन है, अशोक गहलोत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिजिजू इज टू लॉन्च 20 किलोमीटर आईटीबीपी फिट इंडिया वॉकथ्रॉन इन विच स्टेट, ये भी कहाँ होगा, राजस्थान में। ठीक है, और ये किसके साथ किया जाएगा, ये ऑर्गेनाइज किसने किया, ये आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, आईटीबीपी। अगला क्वेश्चन, विच अथॉरिटी रिलीज्ड ड्राफ्ट मॉडल एक्ट ऑन लैंड टाइटल, ये है नीति आयोग। इसने किया है, नीति आयोग ने। नीति आयोग का फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015। सॉरी, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इनके चेयरपर्सन अभी कौन, किसके अंडर में, ये नरेंद्र मोदी के। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि नीति आयोग का जो पहले पुराना नाम था वो क्या था, और क्या उसे बदल कर रखा गया, नीति आयोग से पहले वो किस नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ वुमेन T20 चैलेंज, कौन है वो, जियो। ये BCCI ने अनाउंस किया है। ठीक है, ये कौन है, जियो। फिर अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड ड्राफ्ट रूल फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कौन से मिनिस्ट्री ने किया है, वो है लेबर मिनिस्ट्री, यानी कि श्रम मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर सोलर एनर्जी ड्राइवन मिनीचर ट्रेन इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, वो है केरला। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंट्रल एंड वर्चुअल कोर्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, वो है नागपुर। ये सब छोटे छोटे आपके करंट अफेयर्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, नागपुर। अगला प्रश्न है, विच बैंक रिलीज द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक। कौन है ये, वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल में ही लॉन्च किया है
या फिर रिलीज़ किया है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, जो कि कोरोना पेंडेमिक के बाद ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट साइंस टून बुक बाय बाय कोरोना। साइंस टून मतलब होता है साइंटिफिक चीज़ें जो क्या कार्टून, यानी कि जो बच्चों के लिए कार्टून के रूप में बताया जाता है वो होते हैं साइंटिफिक प्लस कार्टून के रूप में। ठीक है, वो उसको साइंटून कहते हैं। वर्ड्स फॉर वो कौन है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। कौन है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क इज कम अप। टायर पार्क जो यानी कि जो गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो उनसे जैसे कि हमारे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, ठीक है, वैसे ही टायर पार्क कहाँ, कौन से इंडिया में कहाँ होने वाला है, वो है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है, और कैपिटल। और अगला प्रश्न है, द इंडो इजराइल सेंटर फॉर ऑफ एग्रीकल्चर वेजिटेबल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज बीन सेटअप ऑफ द विच इंडियन स्टेट, वो है आसाम। आसाम का कैपिटल क्या है, दिसपुर। ठीक है, और इनका सीएम कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल। अगला प्रश्न है, फेहमर बेल्ट टनल, जी हाँ, फेहमर बेल्ट टनल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इमर्ज्ड टनल विल लिंक डेनमार्क विद विच कंट्री। डेनमार्क के साथ वो कौन से कंट्री को लिंक करेगा, वो होगा जर्मनी। ठीक है, ये दो कंट्री को आपस में जोड़ेगा, डेनमार्क और जर्मनी, जो क्या ये 40 मीटर अंदर होगा बाल्टिक सी के। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इमर्ज्ड टनल यानी कि ये डूबा हुआ टनल होगा इसमें बाल्टिक सी के। ठीक है, और ये डेनमार्क और जर्मनी को लिंक करेगा। और ये ओपन कब होगा, यानी कि कब ये स्टार्ट होगी, 2029 में, यानी कि अभी से 9 साल बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड एक्सेलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ACE टू बूस्ट स्टार्टअप, कौन से स्टेट ने किया, ये क्या है, केरला। विच स्टेट सीएम लॉन्च्ड स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, ठीक है, ये किया है छत्तीसगढ़। ठीक है, विच स्टेट ग्रांटेड 100% व्हीकल टैक्स वेवर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि EVs, यानी जो बिजली से जो चलती है गाड़ियाँ उन पर 100% टैक्स वेवर, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो कौन सा पहला स्टेट होगा, तमिलनाडु। हु इनॉग्रेटेड रायथू वेदिका, यानी जो रायथू वेदिका उनको किसने इनॉग्रेट किया है, वो किया चंद्रशेखर राव ने। इन्होंने किया है चंद्रशेखर राव। अब हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, जो कि करंट अफेयर्स के 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक के बीच का है, वो है द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज आर लाइट अप विथ 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क, यानी कि जो इंडिया अपना देश है वो कौन से कंट्री के साथ जो जिन्हें बॉर्डर शेयर करता है वो वहाँ पर लाइट लगाएंगे, वो है इंडिया पाकिस्तान, यानी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जो 8000 मेगावाट के रिन्यूएबल पार्क बनेंगे, मतलब कि सोलर पैनल से जो है बिजलियाँ मिलेंगी, वो है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और ये कौन इनको टाइप है, ये NTPC और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या SECI, ये दो जो हमारे जो रत्नाज हैं वो ये दोनों मिलकर इनको बनाएंगे। तो ये हमारा 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक का करंट अफेयर्स है, जो कि आने वाले एग्जाम से बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप इनको नोट भी कर सकते हैं। आपको इनके PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन्हें हमसे जुड़ सकते हैं। और ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स लाएंगे 8 नवंबर से लेके, ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट हो वो हमसे पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाकर कोई भी क्वायरी हो
किसी भी सिलेबस में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी तक भी आप डिस्कस कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट पूछ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि इस करंट अफेयर्स को आप नोट कर लें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप इनको पढ़ सकें। धन्यवाद।